शुरू करें। तो बेसिकली आज इसलिए बुलाया है क्योंकि आपने अखबार में भी एक में पढ़ा था, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में फीस को लेके तो काफ़ी झगड़ा चल रहा है। बहुत सारी जगह सरकार कोर्ट में गई है, बहुत सारी जगह पेरेंट्स अभी एजुकेट कर रहे हैं जहाँ सरकार के बस में चलता है। इसी सब के बीच में दिल्ली में साउथ दिल्ली में एक स्कूल है के आर मंगलम स्कूल है कालका जी में, ग्रेटर कैलाश में के आर मंगलम स्कूल है। 16 तारीख को उसके पेरेंट्स मेरे पास में आए थे। फीस के बारे में उन्होंने कहा कि फीस की हाई लड़ाई चल रही है, सरकार उसको ऑडिट करा रही है, उसके लिए मतलब मान रहे थे कि अच्छा काम हो रहा है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि जी हमारे स्कूल में इलीगल काम हो रहे हैं, बिल्डिंग के उन्होंने कई सारी कंप्लेंट दी मुझको कि बच्चों की हेल्थ सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल पानी की बोरिंग कर रखी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ जो उन्होंने मुझे अपनी कंप्लेंट में बताई, वो उन्होंने बताई कि हमारे स्कूल में ग्राउंड में पेट्रोल टैंक बना रखा है, पेट्रोल पंप स्टेशन बना रखा है स्कूल ने इलीगल तरीके से, और वहाँ से वो अपनी, अब वो पेरेंट्स की जो भी नॉलेज थी उस वक्त कि बसों को पेट्रोल करते हैं, बसों को फ्यूल करते हैं या जनरेटर फ्यूल करते हैं, क्या करते हैं, पर वहाँ इलीगल तरीके से पंप स्टेशन बना रखा है। ये हमारे लिए अलार्मिंग था कि 3-4 हज़ार बच्चों को हम जिस बिल्डिंग में बैठा के पढ़ा रहे हैं उस बिल्डिंग के बेसमेंट में इलीगल फ्यूल पंप लगा रखा है, फ्यूल टैंक लगा रखा है। तो मैंने इस पर तुरंत जांच के ऑर्डर किए, चीफ सेक्रेटरी को मैंने लिखा था कि जो जो मसले उन्होंने उठाए थे, डीएम, एसडीएम, फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली जल बोर्ड चारों का एक इंस्पेक्शन कराया जाए और तुरंत इसकी रेड कराई जाए, जाँच कराई जाए। तो 20 तारीख और 22 तारीख को हमारे ऑफिसर्स ने जाके, एसडीएम्स, डीएम्स ने और बाकी ऑफिसर्स ने जाके जांच की। कई और इरेगुलरिटी पाई गई उनके हम अलग से वो लेंगे, लेकिन सबसे अलार्मिंग चीज़ यही है कि स्कूल के बेसमेंट में कम से कम 2,500 लीटर का डीजल का स्टोरेज था, जो कि मतलब एक तरह से जिंदा बम था जिस पर बैठ के वहाँ टीचर्स पढ़ा रहे थे, जिस पर बैठ के बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी। अगर कहीं भी कोई हादसा हो गया होता, एक छोटा सा पेट्रोल पंप भी हम लगाते हैं तो कितने हज़ार तरीके की सिक्योरिटी मेजर्स लेके लगाते हैं। पेट्रोल पंप लगाना कोई मजाक चीज़ नहीं है, लेकिन स्कूल के बेसमेंट में 2,500 लीटर का फ्यूल टैंक लगाना और उसमें बाकायदा फ्यूल मिला, डीजल मिला, वहाँ पर डीजल से भरा हुआ था वो, तो उसका हमने जांच कराई, पूरी सारी चीज़ें पेरेंट्स के सामने आई थी। उसके बाद से लगातार वहाँ के पेरेंट्स डरे हुए हैं और कई और स्कूलों के पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई। तो आज भी मेरे पास पेरेंट्स आए मंगलम के आर मंगलम स्कूल के, रोज़ाना 10-15 पेरेंट्स का ग्रुप आता है, कहता है जी हम अपने बच्चों को किस भरोसे पर भेजें। तो आज मैंने फिर ऑफिसर्स की रिव्यू मीटिंग बुलाई थी, उनसे पूछा था कि क्या निकला रेड में, क्या क्या निकला, कैसे कैसे निकला। तो उन्होंने मुझे ये सारी जानकारी दी कि मैं कुछ वीडियोस भी आपको दे दूंगा, अलग से व्हाट्सएप कर देंगे, कि किस तरह से वहाँ पे बेसमेंट में पेट्रोल पंप एक तरह से बना रखा था, इलीगल पेट्रोल पंप बना के चला रहे थे वो लोग। हमने आज स्कूल के खिलाफ FIR के ऑर्डर किए, एक तो मैंने, दूसरा जो इलीगल वाटर कनेक्शन, इलीगल वाटर बोरिंग उन्होंने कर रखा था उसको तुरंत सीज करने के लिए कहा है, और जितना भी उसमें डीजल था उसको उन्होंने वहाँ से पंप से निकाल के, जो उनका टैंक था उससे निकाल के उसमें रेत भर दिया गया है और उसको बंद कर दिया गया है सरकार की ओर से, सील कर दिया है। तीसरा मतलब एक तो आज जो मैंने कहा है मेन ये है कि स्कूल के खिलाफ FIR की जाएगी, बच्चों की जान से खेलने के लिए, ना सिर्फ बच्चों की जान से खेलने के लिए, आस पड़ोस के भी लोगों को बहुत जान को खतरा था, उनकी जान पर भी बन सकती थी, और साथ साथ इलीगल एक्टिविटी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इलीगल वाटर बोरिंग के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं क्योंकि पेरेंट्स बहुत पैनिक में हैं, मैंने स्कूल अथॉरिटीज़ को अपने इनको कहा है, डिपार्टमेंट के लोगों को, कि परसों सारे पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाए, मैं सारे पेरेंट्स के साथ में बातचीत करूंगा ताकि उनको अश्योर किया जा सके। बाकी पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूं कि हम कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कहीं भी कोई रिस्क बच्चों को दिखता है, सरकार बच्चों के साथ में किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। आप हमें बताइए
हम जांच करवाएंगे, जहां सख्ती की जरूरत होगी सख्ती करेंगे, एक्शन लेने की जरूरत होगी एक्शन लेंगे। सौरभ क्योंकि उस इलाके के एमएलए, मैंने विशेष रूप से उनसे अनुरोध किया था, सबसे पहले पेरेंट्स लगातार क्योंकि एक हफ्ते एजुकेशन हुआ था सौरभ के पास ही आ रहे थे, तो सौरभ थोड़ा सा आप दीजिए। दिखा देते हैं, हालांकि उसको मैं भेज दूंगा आपको, पर फिर भी ये सिर्फ आपको, ये सिर्फ माइक आईडी इसको सर। हाँ ये भेज देंगे आपको। ये जनरली मतलब वहाँ उस पर जब रेड कर रहे हैं और टैंक में डीजल निकल रहा है तो उसको नाप के भी देख रहे हैं हमारे ऑफिसर्स, उसमें बहुत ही रिस्की है था, और मतलब कैसे कह सकते हैं कि वहाँ बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं, और कोई स्कूल कैसे सोच सकता है इस तरह के रिस्क में लगता है। आपको याद होगा एक स्कूल में अभी थोड़े दिन पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल खुला टैंक मिला था, उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी। अगर यहाँ कुछ हो जाता है, ईश्वर ना करे, तो यहाँ तो 2,500-3,000 बच्चों की जान पे, टीचर्स की जान पे, अड़ोसी पड़ोसी मतलब मेल्ट हो जाता पूरा का पूरा इलाका, बहुत ही खतरनाक था। ये जो स्कूल है ये ग्रेटर कैलाश पार्ट टू के अंदर स्कूल है, और आमतौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स आप जानते हो उनसे काफ़ी महंगा स्कूल है, पूरा एयर कंडीशन स्कूल है, और आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल अपर मिडिल क्लास के पेरेंट्स जो है उनके बच्चे यहाँ पे जाते हैं, और ये लोग पेरेंट्स फीस बढ़ने के विषय में काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पेरेंट्स मनीष जी से मिले और मनीष जी ने तुरंत अगले दिन ही इनकी खातों की ऑडिट के ऑर्डर किए थे, मगर उसके बाद भी पेरेंट्स का ये कहना था कि यहाँ पे पेट्रोल को स्टोर किया जाता है, हालांकि मुझे इस बात का यकीन कम था। और इस सोमवार 22 तारीख को करीब 9 बजे रात को मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के अननोन नंबर के कॉल आने लगे, तो मुझे लगा कहीं पे पानी वानी की कुछ दिक्कत होगी। फिर लोगों ने मुझे बताया कि साहब हमने जो कंप्लेंट डिप्टी सीएम साहब को की है वो कंप्लेंट लीक हो गई है, और स्कूल वाले पुलिस वालों के साथ मिलके पेट्रोल निकाल के इस बात को दबाने की कोशिश में लगे हुए। तो फिर मैंने एसडीएम साहब को फोन किया कि भाई वहां पे गड़बड़ी चल रही है, तो हमें पता चला कि जो डिप्टी सीएम साहब ने जो ऑर्डर किया है इंक्वायरी के बारे में, उस विषय में एसडीएम वहां पे पहुंचे हुए हैं, और एसडीएम के देखरेख में पुलिस वाले उस टैंक को खाली करा रहे हैं, और वो जो काफी डीजल जो था वो वहां से निकाल के वो लोग ले जा रहे थे। और पेरेंट्स उस दिन से लेकर अब तक बहुत एजिटेटेड थे, पैनिक में है, क्योंकि वो लोग इस बात का भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरीके से इतना डीजल जो है स्कूल के अंदर स्टोर किया जा रहा है, और वो ये बार बार कह रहे थे कि अब आगे क्या होगा। हालांकि मैं उनको ये समझा रहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, थोड़ी दिक्कतें होती हैं, मगर मुझे लगा कि ये जो है ये इतना इमरजेंसी सिचुएशन है कि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता, और मुझे खुशी है कि आज सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। और ये जो संवाद होगा डिप्टी सीएम साहब का स्कूल के साथ वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स लगातार चाह रहे हैं कि मनीष जी उनसे बात करें, और उनको आश्वासन दें सरकार की तरफ से कि इस तरीके की गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैंने परसों मीटिंग बुलाई है। अगर ऐसा कोई कंप्लेंट तो है नहीं मेरे पास में, अगर कहीं से कोई इस तरह की कोई इंडिकेशन मिलेगा, बिकॉज देयर आर ऑलमोस्ट 1700 स्कूल्स जिनका हम रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, बट अगर इस तरह की कहीं से कोई कंप्लेंट भी मिले, तो इसलिए मैंने कहा कि कहीं भी कोई इशू हो तो आप हमें बताएं, हम स्पेशल इंस्पेक्शन करा सकते हैं। थैंक यू सर। वीडियो हम व्हाट्सएप